एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और कैसे हैं आप सब। सो गाइज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे, दिवाली की सफाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत काम होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल। बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा कपड़ों से अलग कुछ लेके आओ, तो मैंने काफ़ी टाइम से ऑर्डर किए हुए थे बहुत ही प्यारे प्यारे से दिवाली होम डेकोर, तो मुझे फाइनली अब जाके कुछ पीसेज रिसीव हुए हैं और अभी भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो रिसीव नहीं हुए। जैसे जैसे वो मुझे मिलेंगे मैं आपके साथ में वीडियोस के अंदर शेयर करती रहूँगी, पर ये शेयर करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि दिवाली बहुत पास आ गई है और अगर आपको कुछ मंगवाना भी होगा तो टाइमली रिसीव नहीं होगा आपको। इसीलिए मुझे जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आज का वीडियो सच बताऊँ सुपर अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जिन्हें आपने देखा होगा पर बहुत अच्छा लगेगा आपको। दिवाली पर इस तरह के छोटे छोटे क्यूट क्यूट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आपका घर जो है बहुत ही अच्छा सा रोशन होने वाला है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाके परचेजिंग कर सकते हो। ये साड़ी मैंने मीशो से लिया था और ली थी, तो इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये प्रोडक्ट जो कि आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपको लोटस बना हुआ मिलने वाला है एंड यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ इस तरह के इन्होंने फ्लावर्स बनाए हैं, नीचे पिंक कलर के पॉम्पॉम्स लगा के दे दिए। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपके वॉल पर से निकल निकल के गिर रहे हैं। डबल साइड टेप से आप ईजिली इसे लगा सकते हो। इसकी लेंथ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी सुपर्ब है, तो इसे आप अपने घर के लिए डेफिनेटली इस दिवाली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ये हमारी दिया ट्रे जो कि कुछ ऐसी मिली है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है और जो ये गोल्डन कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पॉलिशिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छे से हैं एंड इसके अंदर आप इतने सारे दिया रख सकते हो। यहाँ पे पानी डाल के इसके अंदर अच्छे से फ्लावर आप ऐड कर दो, एक दिया लगा दो और बहुत अच्छे से ये काम आने वाला है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है, अच्छा मेटल इन्होंने यूज़ किया है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे प्राइस के साथ मिल गया, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट ये है, ये मैंने क्यूट सी लाइट जो कि आपको बहुत प्यारी लगेगी। वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे से फोम वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो लगे हुए हैं एंड इसे मैंने यूज़ करके देखा था, इतनी प्यारी लग रही थी जब अंधेरा हो जाए और ये इतना सुंदर लगेगा ये। तो मैंने सिंगल मंगाई थी कि देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी रिसीव होगी, तो आप ये देखो कुछ इस तरह की वायर है एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स हैं, रोज़ेज़ हैं, तो आप इसे भी अपने घर में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे परचेज़ कर लो, अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट है ये, और ये बहुत ही प्यारे रिसीव हैं। आप इसकी पॉलिशिंग देखो, कितना प्यारा वर्क है, मेटल में है, इसके अंदर आप अच्छा और बड़ा सा जो दिया आप चला सकते हो, इसके अंदर बहुत प्यारा है। इसके ऊपर जितना भी इन्होंने पेंट वर्क करके दिया वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर है एंड ये तो बहुत प्यारा लगेगा जब भी आप इसे अपने घर में दिवाली पर लगाओगे, काफ़ी अच्छा आपको लुक मिलने वाला है। और साइज़ जो आप इसका देखोगे ना, इसके दिए का, वो बहुत अच्छा साइज़ है। बैक से देखो, अच्छे से पॉलिशिंग करी हुई है, कहीं से भी कोई रफ़ नहीं है, बहुत अच्छी सी पॉलिशिंग है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देखो कितना प्यारा सा इन्होंने ये डिटेलिंग करके दिए, कुछ इस तरह का लगने वाला है। तो इसे भी आप ट्राई करोगे, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है और ये आपको घर में कहीं पर भी रखोगे ना इसे, और ये आफ्टर दिवाली भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, अपने घर में डेकोर कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा क्योंकि दिया वगैरह हम करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इंडियंस में फेस्टिवल्स जो है चलते रहते हैं, तो ये आपको आगे के लिए भी काफ़ी यूज़ आने वाला है। सो गाइस, अगर आप आए हो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, इतना प्यारा होम डेकोर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, जल्दी से फॉलो करो। साड़ी मैंने वेयर कर तो ली पर क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी वीडियो बनाने में, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कभी इधर से जा रही है, कभी इधर जा रही है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर साड़ी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट है एक तोरण का ऑप्शन जो कि इतना प्यारा मुझे रिसीव है, मतलब इसकी क्वालिटी सुपर्ब है, सुपर्ब। यहाँ पर आप ये देखो, कुछ ऐसा आपको ये तोरण मिलने वाला है, ये देखो
बहुत ही प्यारी सी डिटेलिंग के साथ में, कुछ इस तरह के अच्छे वाले जो है इन्होंने ये मोती लगा के दिए हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी डिटेलिंग है, आपको कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये काफ़ी हैवी होने वाला है, आप अपने गेट पे लगाओगे ना ये बहुत सुंदर लगेगा। सो गाइस नेक्स्ट मैंने बाय किए हैं ये दो झरोके जो कि बहुत ही प्यारी क्वालिटी में मिले। मैंने इसके दो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स और भी बाय कर लिए ताकि मैं अपनी वॉल्स पे लगा सकूं। ये हमेशा जो है ये लटकन जो मैंने लटका रखी है अभी, ये हमेशा तो नहीं रहने वाली, तो ये इतनी प्यारी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। अभी मैं अच्छे से इसलिए दिखा पा रही क्योंकि वो पूरा पीछे का जो बैकग्राउंड है, क्या क्या सामान पड़ा हुआ है सब इसके अंदर दिख रहा है। इसमें मिरर भी आपको मिल जाएगा, ये देखो कुछ ऐसा मिरर मिलने वाला है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। आप ये देखो कितना प्यारा है ना। तो ये तो मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैग से कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको, यहाँ पे इस तरह का हुक होल्डर भी मिल जाता है, आप इस छोटे से कील से आप हैंग कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि डबल साइड टेप से भी अच्छे से ये लग जाएगा, इसके ऊपर वेट नहीं है। और जितना भी इन्होंने पेंट का काम करके दिया ना, बहुत बहुत प्यारा है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना अगर ये स्टॉक में है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ रेड है, तो कहीं पे आपको येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये तो मस्ट बाय चीज़ है, आप इसे ज़रूर लेना और इसका रिव्यू फीडबैक जो है मेरे साथ शेयर करना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि पर्सनली मेरा तो ये फेवरेट है। नेक्स्ट है हमारे ये क्यूट से हाथी जो कि कुछ ऐसे मिले हैं। आप ये देखो कितना क्यूट है ना, और ये दिया होल्डर भी है, यहाँ पे आप इसमें टी लाइट लगा सकते हो। जब भी आप इसे दिवाली पे यूज़ करोगे, लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, फैमिली आएगी और आपके घर में ये देखेगी ना, वो सच में, और अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो वैसे ही इसको ले लेके भागने वाले हैं। इतने क्यूट से हाथी हैं ये, और ये बहुत प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने यूज़ किया है। आप देखो इसमें गोटा फ्लावर भी लगाया हुआ है, अच्छा सा गोटा पट्टी का वर्क भी है। इसमें आपको ये टी लाइट्स भी मिल जाती है, टोटल 5 हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। यहाँ पे ये येलो है, ये है हमारा रेड वाला। इनके साइजेस देखो बहुत ही क्यूट से हैं, साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कुछ इतने साइज़ आपको मिलने वाले हैं, क्यूट से हैं, छोटे छोटे से हैं, सब बड़ा साइज़ नहीं है। यहाँ पे आप ये देखो ये ऑरेंज शेड है, ऑरेंज के साथ में कितना प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। प्राइस भी इनका काफ़ी ठीक ठाक था और क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिली है मुझे। तो ये हमारे दो, ये टोटल मुझे मिले हैं 5 और प्राइस काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये क्यूट लग रहे हैं, अगर आपके अच्छे लग रहे हैं, तो इनका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइस ये देखो ये है हमारी नेक्स्ट क्यूट सी कैंडल्स। मैंने इसे यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये हाथ में गिर रहे हैं बार बार। आप इनका कलर देखो, इनका साइज़ देखो कितना छोटू सा है, छोटे से आपको मिल जाएंगे। और ये बहुत प्यारे से बुद्धा स्टैचू हैं। फिनिशिंग की बात करी है, मुझे ये था कि इतनी छोटी कैंडल्स में फिनिशिंग कैसे आएगी, पर नहीं भाई, फिनिशिंग बहुत प्यारी है। और ये बहुत ही प्यारी सी सेंटेड कैंडल है, काफ़ी क्यूट है, प्राइस भी इनका काफ़ी अच्छा था। थोड़े से और बड़े होते तो और ज़्यादा अच्छा था, पर ठीक है, ये साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। बहुत प्यारे से कलर्स हैं, आप ये देखो ये ग्रे है, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे पाउडर ब्लू शेड, तीनों के ही शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है। दिवाली पे अगर आपको ये सेंटेड कैंडल मिल जाए, वो भी इस प्राइस रेंज में, तो बहुत प्यारी लगनी है। आपको वैसे भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालनी होगी या फिर रील बनानी है या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट करने हैं, तो आपके लिए काफ़ी प्यारी रहने वाली। और दिवाली पे कैंडल्स की वाइब्स हमेशा ही अलग होती है, तो मुझे तो ये बहुत प्यारी रिसीव हुई है। आप ये देखो मैंने इसके ऊपर इसलिए रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गिर रहे थे। तो इन्हें भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, छोटे छोटे से हैं, बहुत क्यूट है, कोई भी देखेगा ना यही बोलेगा कि यार ये ले कहाँ से लिए आपने। तो मुझे ये वाली कैंडल्स भी बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट जो पीस है वो मेरे हाथ में अभी अभी आ गया, ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। ये मैं इसलिए लेके आई, ये दिवाली स्पेशल नहीं है, पर ये इतना यूज़फुल चीज़ है। आपको लग रहा होगा पूजा क्या ही दिखा रही है, जैसे कि हमारी कोई भी फुटवेयर होती है ना, और अगर वो लूज़ होती है या हमने बाय मिस्टेक बड़ा साइज़ ले लिया उसके अंदर, तो आपने नोटिस किया होगा मोस्टली वो होता है हील्स में होता है प्रॉब्लम, जो कि पॉइंटेड हील्स होती है ना, उसमें इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो आपने देखा होगा अगर लूज़ है तो वो आप चलते हो बार बार निकलती रहती है, बार बार निकलती है। तो मैंने एक बहुत अच्छी सी जो है सैंडल बाय करी थी, फुटवेयर बाय किया था मिंत्रा से। प्रॉब्लम ये था, वो हल्का सा लूज़ था और मैं जैसे ही चलती थी वो बार बार निकल रहा था। तो मैंने अभी रिसेंटली एक इवेंट भी अटेंड किया, तो मुझे पता चला कि हाँ जी इसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह की चीज़ ले सकते हो। एक सेकेंड, ये देखो
आपको क्या करना है, सैंडल के नीचे आप ऐसे करके लगाओगे, ये ऊपर आपके पैर पे पूरा अच्छे से ग्रिप कर जाएगा ऐसे करके, और ये निकलने वाला भी नहीं है। प्रिया ने भी मुझे बोला था, प्रिया नेगी आप सब जानते हो, उसने भी बोला था कि पूजा इसका लिंक दो, क्योंकि उसकी सेम प्रॉब्लम की वजह से जो फुटवेयर उसे पहना था वो पहन ही नहीं पाई। फिर जब उसने मुझे देखा तो कहती हाँ ये बहुत अच्छा है और आप इसे मुझे बताना कहाँ से लिया है। तो मैंने अमेजन से लिया, बहुत बहुत यूज़फुल चीज़ है जो कि आपके काफ़ी काम आएगा और आपके पैरों को ना काफ़ी कम्फर्टेबल रहता है, पैरों में दर्द भी नहीं होता क्योंकि आप कंफर्टेबल होके चलते हो, आपको ऐसा नहीं लगता मेरा पैर बार बार निकल रहा है सैंडल से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये कुछ 350 में लिया था मैंने, जिसके अंदर मुझे दो पेयर मिले थे, एक ये रहा और एक मैंने अपने सैंडल में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो ये ज़रूर लेना अगर आप हील्स वेयर करते हो, स्पेशली अगर आप वेयर करते हो पॉइंटेड हील्स, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है हमारा ये प्रोडक्ट जो कि आपने डेफिनेटली देखा होगा, कई बार देखा होगा, पर मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ पे आपको ये बॉल मिल जाएगा कुछ ऐसा, एंड इसके अंदर सारे प्लैनेट्स के नेम्स लिखे हुए हैं, वो भी क्लियरली अच्छे से विजिबल है। आप इसे लोगे ये डेफिनेटली बहुत प्यारा लगने वाला है। मुझे लगा था कि नहीं यार इतना अच्छा थोड़ी ना होगा, पर ये नहीं, सच में ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ रिसीव है। सारे यहाँ पे ना, अब कैमरे में फ़ोन में अच्छे से नहीं देख रहा है, जबकि आपको सारे इनके नेम्स अच्छे से क्लियर हैं, बहुत ही प्यारा सा है। एंड इसके अंदर आपको ऐसे मिल जाएगा, ये देखो ये होल्डर है, यहाँ पे आप इसे ऐसे लगाओगे और इसके अंदर इसको अपने अडैप्टर में लगा के इसे जब ऑन करोगे तो ये बहुत अच्छी सी लाइट देगा। एंड इसका जो पूरा सीलिंग पे लुक आता है वो भी बहुत अच्छा सा आता है, पूरे जो प्लैनेट्स हैं आपको अच्छे से दिखते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसे रात में लगाओ, बच्चों के पास रखो, उनको भी बहुत पसंद आएगा। हाँ अगर छोटे बच्चे हैं तो इसको गिरा भी देंगे, और ये टूटने का काफ़ी डर है क्योंकि ग्लास में बना हुआ है, पर बहुत अच्छा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ये प्लैनेट वाला है तो आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी ये क्यूट सी कैंडल्स, इनके साइजेस बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे साइज आएंगे, पर ये बहुत क्यूट है और अब जो मैंने मंगाई लिया तो इसे रिटर्न भी नहीं कर सकते। ये भी सेंटेड कैंडल है और इसकी फ्रेगनेंस सच में बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे चुभने वाली नहीं है या फिर ऐसे इरिटेट करने वाली नहीं है कि आप इसे घर में यूज़ नहीं कर पाओगे, बहुत ही माइल्ड सी, बहुत ही प्यारी सी जो है इसकी फ्रेगनेंस है। एंड यहाँ पर आपको इस साइज़ की ये कैंडल्स मिल जाएगी, प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। इसमें आपको मेंशन लिखा हुआ है लव LOVE कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। कलर शेड आप देखो, मैंने ये बेबी पिंक बाय किया है, एंड यहाँ पे आपको इसे जलाने के लिए मिल जाएगी ये, तो आप जब इसे यूज़ करोगे बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे छोटे छोटे से ना रोज़ेस भी बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे से क्यूट से है, बहुत क्यूट, नो डाउट बहुत क्यूट है, पर मुझे लगा था थोड़े एटलीस्ट इतना साइज़ तो होना चाहिए, पर ये बहुत ही छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, पर ठीक है दिवाली पे क्यूट क्यूट चीज़ें भी अच्छी लगती है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। ये देखो, तो अगर आपको एक अच्छी क्यूट सी कैंडल्स चाहिए तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत प्यारी लगेगी। फिनिशिंग इसकी भी काफ़ी अच्छी है जैसा, और बहुत अच्छी पैकिंग में आया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, मतलब अच्छे से पूरा बबल रैप करके ये आया था, तो मुझे पैकेजिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बहुत अच्छी पैकिंग के साथ मिले थे। तो अगर आपको ये क्यूट सी कैंडल्स चाहिए तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, अच्छी लगेगी बहुत। नेक्स्ट है हमारा ये डेकोर पीस जो कि कुछ ऐसा मिला है, इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये जो है मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर किया हुआ, पर आज तक मैंने इसको लगाया ही नहीं, आपको पता है मैं भूल गई थी जब, पर मैं मीशो का जब सर्च कर रही थी ना कि होम डेकोर दिखाऊंगी, तब मुझे दोबारा दिखा तो मैंने कहा यार मैंने लिया तो था पर है कहाँ, फाइनली मुझे ये छुपा हुआ मिल गया और मैंने इसे ढूंढ लिया। तो ये इस तरह का है, आप देखो एक साल हो गया इसे रखे हुए पर अभी तक मैंने इसे यूज़ भी नहीं किया, और ये बहुत बहुत गजब का है। मैं तो बस ये इनको हटने का वेट कर रही हूँ, ये जब हटेंगे मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा सा मेटल यूज़ किया है, बहुत अच्छा प्राइस है, एंड साइज़ भी इनका काफ़ी अच्छा है, यहाँ क्वालिटी अच्छी है, कुछ इस तरह का लीफी पैटर्न बना हुआ है और बहुत अच्छा है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आपके डेकोर आपके वॉल को काफ़ी अच्छा लुक दे देगा। बेडरूम में लगा लो, दिवाली पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, ये तो आप आफ्टर दिवाली भी यूज़ कर सकते हो अपनी वॉल्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा ये, और इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेड्स लिए हैं, ऑरेंज येलो और ग्रीन और येलो, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, ये बहुत अच्छे हैं, अभी पीछे भी लगाया हुआ है। इसमें मैंने काफ़ी सारी परचेजिंग करी है, ये देखो कुछ इतनी इसकी लेंथ मिल जाएगी, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो वैसे तो ये लोकल मार्केट में भी मिल जाता है, और अगर आपके आसपास कोई लोकल मार्केट है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा मीशो से ही परचेजिंग करनी है, पर क्या है ना कि थोड़ा ईजी रहता है, घर बैठे आ जाता है, अभी मार्केट में इतनी भीड़ है तो जाना पॉसिबल नहीं है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा
टास्क हो जाता है एक मार्केट में निकलने का, पर मार्केट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है वहाँ से। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट से ले लेती हूँ, कुछ ऑनलाइन पसंद आता है तो ऑनलाइन ले लेती हूँ। जैसे कि ये है, ये मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, और आप ये देखो, ये मैंने मार्केट से लिया था, लास्ट ईयर लिया था, और ये बहुत अच्छा है, ये ऑनलाइन नहीं मिल रहा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा क्योंकि ये मेरे पास अभी है, ये भी मैंने मीशो से लिया था। ये देखो, इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सुपर्ब है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये कुछ 4 आते हैं और मैंने 2 बाय करे थे, तो ये भी बहुत अच्छा है और अच्छा लगता है, अच्छे से इजीली आप इसे। और मैं ना आपको एक डबल साइडेड टेप, मेरे को अभी नहीं मिल रही है, उसका लिंक दे दूँगी गाइस, वो ज़रूर ट्राई करना, क्या काम आती है वो चीज़। क्योंकि इतने सारे चीज़ें लगानी पड़ती है, अगर हम कील लगाते हैं तो हमारी वॉल्स ख़राब हो जाती है, जबकि डबल साइडेड टेप है ना, अच्छे से स्टिक हो जाती है और निकल भी जाती है, आपके वॉल के ऊपर कोई स्टेन भी नहीं रहता, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है ये, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिला है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप ये देखो, कुछ इतना आपको पतला सा मिल जाएगा, एंड बैक में इन्होंने डबल साइडेड टेप भी लगा के दिए, जिसे ईजिली आपकी वॉल पर पेस्ट होने वाला है। इसमें आपको ये 3 मिल जाते हैं, एक सेकंड मैं इनको अरेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये देखो, ये आपको 3 डिज़ाइंस मिल जाएंगे, जिसे आप ऐसे ऐसे करके लगाओगे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए, प्राइस भी इनका बहुत कम था, अच्छे से तो आप वहाँ पे देखना। ये देखो, कुछ ऐसे मिल जाएंगे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड इस तरह के पीसेज बहुत अच्छे लगते हैं वॉल्स पे, डिसेंट लगते हैं। और इसका साइज़ है ना, मतलब मैंने इसके रिव्यूज़ में देखा था, इसका साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, पर मैं कहूँगी छोटा नहीं है, डिसेंट साइज़ है। क्योंकि कई बार होता है बहुत बड़े होते हैं, और अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे, मेरे ख्याल से 100-150 रुपये का ही है ये प्राइस में। इस प्राइस में तो आपको ये भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर लोकल मार्केट में इतना सस्ता नहीं मिलता। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपको बाहर लोकल मार्केट पर कुछ मिल रहा है ना, तो उसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी होती है, पर कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि उतना महंगा लेना ज़रूरी हो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि आपने साल भर यूज़ करी, फिर हटा दी, बोर हो गए, हटा दिया, तो ठीक है ना, 100-150 रुपये में आपको क्या ही चाहिए। तो ये आपको कुछ ऐसा मिलने वाला, इसे भी आप ज़रूर ट्राई करना, वॉल्स पे लगाया हुआ सुपर्ब लगने वाला है, क्वालिटी भी काफ़ी सुपर्ब है। नेक्स्ट है ये है कोस्टर्स, एंड ये कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये कुछ ऐसा, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी, इसका कलर देखो आप, कितना प्यारा ब्राउन शेड है। अंदर की साइड में आपको वेलवेट वाला फैब्रिक इन्होंने दिया है, बैक नीचे की साइड में भी इन्होंने वेलवेट का फैब्रिक लगा के दिया है। यहाँ पे आपको ये कुछ ऐसे मिल जाएंगे, ये देखो, टोटल 6 है, सबके पैटर्न्स सेम है, पैटर्न्स अलग नहीं है। के नीचे आपको ये लगा के मिल जाएगा, जो कि आपके टेबल को स्क्रैचेस से बचाने वाला है, और ये ख़राब भी नहीं होगा, इजीली जो है आप इसे उठा सकते हो। इस तरह का इन्होंने बहुत ही प्यारा सा ये बना के दिया है, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी क्वालिटी भी है इसके अंदर, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपको एक दिवाली पे ट्रेडिशनल वाइब्स चाहिए, तो ये अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस तरह के पीसेज ना दिवाली पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, गेस्ट आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं इस तरह के पीसेज। तो आप इसे अपने डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो, एंड ये काफ़ी काम आएगा, मुझे अच्छा लगा। वुडन में आपको मिल जाएगा, वैसे इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे ये थोड़ा सा ये अच्छा लगा, ये डोर सा बना हुआ है, पूरा गेट बना हुआ है महल का, तो बहुत प्यारा सा, और उसके कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये सुंदर लगा, इसलिए मैंने ले लिया। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहो कर सकते हो, प्राइस रेंज भी इसका काफ़ी ठीक था और क्वालिटी बहुत सुपर्ब है इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे अगेन टी लाइट होल्डर की, जो कि मुझे कुछ ऐसे मिले, ये टोटल 4 है, मैं आपको ये दिखाती हूँ क्योंकि अच्छे से पकड़ में नहीं आएगा। ये देखो, इस तरह का इविल आई बनी हुई है, और मतलब पैटर्न बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे पूरा सिप्पी कटदाने का काम मिलने वाला है, एंड यहाँ पे नीचे देखो बड़े बड़े मोती भी लगे हुए हैं, चीज़ बहुत प्यारी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये कुछ ऐसा है, ये देखो, यहाँ पे आपको हल्का पर्पल शेड मिलेगा, ये ब्लू है, और यहाँ पे पिंक है, कुछ इस तरह का पैटर्न है, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से पेस्ट करके दिया है। इसके अंदर भी जो है टी लाइट आपको मिली थी, तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, और अलग से ख़रीदने की भी नीड नहीं रहेगी, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी मिक्स है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, मुझे तो अच्छा लगा। और अंदर की साइड में गोटा पट्टी का जो है पूरा ऐसे रैप किया हुआ है, चूड़ी ही थी वैसे बेसिकली, और उस पर ऐसे कुछ डिज़ाइन किया हुआ है, अच्छा है। तो ये टोटल मुझे 4 मिले हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है ये, और इसमें ना आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये ग्रीन वाले हैं यहाँ पे, फिर आपको ये येलो और ये रेड, कुछ इस तरह के प्लास्टिक के मिल जाते हैं।
इनकी जो बेस्ट चीज़ है वो है ये कि जब आप इसे जलाओगे तो ये बहुत ही अच्छा आपके फ्लोर पे ना एक रिफ्लेक्शन सा दे देता है, 3D रिफ्लेक्शन दे देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और ये दो है, काफ़ी सारे कुछ 20 आपको दिए मिल जाएंगे। ये आपको मिल गया दिया, इसके साथ में स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग के अंदर आपको ये बत्ती मिल जाएगी, काफ़ी सारी बत्ती इन्होंने दी है। एंड इसको आपको इसके अंदर ऐसे लगाना है और जब आप इसे जलाओगे तो बहुत ही अच्छा सा रिफ्लेक्शन आएगा, बहुत ही अच्छा है। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, एक डिफरेंट सा ही है, क्रिस्टल टाइप का आपको मिल जाएगा, तो सुंदर से हैं। इसमें बहुत सारे आपको दिया मिल जाएंगे, प्राइस भी इसका काफ़ी अच्छा था। तो ये हमारे थे सारे दिया और इसके साथ में बत्ती और ये स्प्रिंग भी आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट मैंने लिया है, मेरे पास बहुत सारा सामान हो गया अभी, नेक्स्ट है हमारा ये। एंड ये इतना अच्छा है, इतना प्यारा साइज़ है इसका और इसकी पॉलिशिंग देखो कितनी अच्छी है। इसके अंदर आप बहुत सारे जो है अच्छा सा पानी डाल के इसके फ्लास्क रख सकते हो, फिर जो दिया होते हैं वो इसके अंदर लगा लो और ये कितना प्यारा लगने वाला है। मतलब इसकी क्वालिटी और जो मैंने आपको ये दिखाया था इसकी क्वालिटी दोनों ही काफ़ी सेम है, बहुत अच्छी है। इनके कलर्स भी काफ़ी सेम होने वाले हैं एंड इस तरह का ना टेक्सचर है वो अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और इसकी क्वालिटी मुझे काम, और ये बाद में भी काम आएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे काम में ले लिया तभी आएगा, बाद में भी। और साइज़ देखो, बाद में भी अच्छे से काम आएगा। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, कुछ तांबा वाला स्टाइल में है तो ये अच्छा है। और दिवाली पे इस तरह के पीसेज ना बहुत प्यारे लगते हैं। इसको रख दिया साइड्स में, आपने फ्लावर्स रख दिए और दियाज रख दिया, एक अच्छा सा आपने जगह क्रिएट कर ली, बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा मैं ना बताना आपको भूल गई कि इसके साथ भी मुझे पूरा इतनी सारी जो है टी लाइट मिली थी, तो प्राइस इतना अच्छा है और इस प्राइस में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ये, और इसे भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था। एक्चुअली मैंने इसे लिया था अपने बैकग्राउंड डेकोरेशन के लिए, पर मैं इसको यूज़ ही नहीं कर पाई। ये मैंने अमेज़न से लिया था, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, और मैंने आपके सामने और काफ़ी दिन हो गए, 4-5 महीने हो गए इसे लिए हुए, पर अभी तक इसको खोल के नहीं देखा। ये देखो कुछ ऐसा, इसे कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सा ऑफ वाइट कुछ बेज काइंड ऑफ शेड है और अच्छा है। इसकी लीफ देखो कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगा ज़रूर था, थोड़ा नहीं थोड़ा महंगा ज़्यादा ही था, पर ये है बहुत अच्छा। तो अगर आपको एक अच्छे फ्लावर्स चाहिए, क्योंकि अमेज़न की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है ज़्यादा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अभी ये पूरा ना ऐसे ही रखा हुआ था कपड़ों के नीचे, इसलिए ऐसे पिचक सा गया है, और अगर हम इसे अच्छे से खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी कुछ साइज़ इतना मिलने वाला है, इसका लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा ये, इसे मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था, तो मैंने लिया था ये ब्लू शेड, और अब इसका सिर्फ पिंक शेड अवेलेबल है मीशो पे। तो ये कुछ ऐसा है, ये बहुत क्यूट लगते हैं इस तरह के बुद्ध, और आप इसकी स्माइल देखो कितनी अच्छी मेरे से मैच कर रही है, वैसे फेस तो मेरे से ही मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देखो इसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, और कुछ इस तरह की आपको फिनिशिंग मिल जाएगी, फिनिशिंग सुपर है और बहुत प्यारा लगेगा। ये सारा सामान है ऊपर नीचे गिरने वाला है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, और कुछ इतना साइज़ भी इसका काफ़ी ठीक है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो होम डेकोर के लिए, दिवाली डेकोर के लिए। आई थिंक सारा सामान मैंने दिखा दिया है, काफ़ी सारे पीसेस थे दिखा दिया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो जो भी आपको पसंद आ रहा है आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और भी मैंने मंगाई है, और मैं ना आपको रिकमेंड करूँगी, जो वो छरोका दिखाया था ना मैंने, वो ज़रूर ना, कुछ 250 रुपये का था, पर प्राइस में इतना प्यारा है ना, इतनी प्यारी चीज़ है कि बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।